الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। आज हम और आप जामिया हिदायतुल उलूम के सालाना जलसे दस्तारबंदी में जमा है। मदरसे की चहार दीवारी में अल्लाह के मुकद्दस और पाकीज़ा रसूल के प्यारे घर में बैठकर मुस्तफा का जिक्र सुन रहे बड़ी मुकद्दस व पाकीज़ा जगह है जहां आप बैठे हैं। रूए ज़मीन पर सबसे बेहतर जगह अगर कोई है तो वो मस्जिद है जो अल्लाह का घर है, और उसके बाद सबसे पाकीज़ा जगह कोई है तो वो मुस्तफा का घर मदरसा है। आज देखो यहाँ अगर आप आवाज बुलंद करेंगे तो चूंकि चहार दीवारी के बीच में आप बैठे हैं आवाज यहाँ गूंजेगी और आप न मेरी बात समझ सकेंगे न जलसे में बैठने का आपको कुछ फायदा होगा। सुनना है और बात समझना भी है, इसलिए तकरीर बड़े इत्मीनान से और संजीदगी से धीरे धीरे ऐसे करना पड़ेगी जैसे मदरसों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसी समझ में आएगी आपके तकरीर अगर मैं बहुत तेज और तसलसल से बोलूं, बहुत जल्दी करूं तो यहाँ जहाँ चारों तरफ से आवाज टकराएगी आप कुछ न समझ सकेंगे, इसलिए बिल्कुल खामोश होकर बैठे। इंतजामी जो एक दो हैं वो सिर्फ पीछे से अच्छी तरह लोगों को इज्जत के साथ मोहब्बत से जहाँ मुनासिब जगह मिले बिठाते रहे। ये तो हमें मालूम था कि ये जगह आने वालों के लिए नाकाफी होगी, बाहर पब्लिक है नाकाफी होगी, लेकिन अगर मिलजुल के बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह दिलों में जगह बना ले, थोड़ी जगह भी काफी हो जाएगी। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله। अपने माथे की निगाहों से आप कुछ देर के बाद अपने मदरसे की अपने इस इदारे की उस काबिश और उस कारकर्दगी को देखेंगे कि जो इदारे ने कुरान के ताली और कुरान के कारियों की शक्ल में आप हजरात के सामने और आप हजरात के लिए पेश की है, वो कारकर्दगी जो आपका खून और पसीना और आपकी मेहनत की कमाई इस कारकर्दगी के लिए खर्च होती है, इदारे के लिए खर्च होती है, उसका नतीजा उसका समरा और उसका फायदा क्या हुआ वो आप अपने माथे की निगाहों से देखेंगे इंशाअल्लाह। एक सदका जारिया आप हजरात की जानिब से ये होगा जिन्होंने खर्च किया, मेहनत की, इदारा चला रहे हैं, इदारे के
लिए कोशिश करते हैं उनकी कारकर्दगी इंशाअल्लाह सामने आएगी। बड़े संजीदा मतीन और पुरवकार हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब क़िबला, जो ऐसे होनहार उस्ताद बड़ी तलाशो जस्तजू के बाद हाथ आते वो आपके दरमियान पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इस काबिश को और उस सब्र को कि जो यहाँ रहकर ये बर्दाश्त कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं परवरदिगार आलम कबूल फरमा ले। कमेटी सारी इकबाल साहब मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब माशाल्लाह तशरीफ फरमाए, इनकी कारकर्दगी है बहुत अजीम और बड़े संजीदा हैं, अखलाक बड़ा प्यारा है और सूरत और सीरत दोनों के एतबार से बड़े हसीन हैं। सुभान अल्लाह, सूरत भी हसीन है सीरत भी हसीन है। अल्लाह ताला इनको यहाँ पर सेवात अता फरमाए, आमीन। और इनकी मेहनतों को और जो कमेटी के अफराद माशाल्लाह मुझे भी उन्होंने मुकम्मल हारों में कर दिया था, हार डाल कर मेरा गला उन्होंने भारी कर दिया। अल्लाह ताला उस कमेटी के जज्बात को सलामत रखे, आमीन। और तमाम को दुनिया और आखिरत की सादतों से सरफराज फरमाए, आमीन। आपकी बस्ती के अजीम शान आलिम दीन मुफ्ती वक्त हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकरार साहब क़िबला, वो भी तशरीफ फरमा है। ये हजरत मेरी बाई जानिब है, आपकी बस्ती से निकल कर देहरादून के दामन में ये दीन का दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत अच्छी खिदमत, स्टेज पर मुकद्दस उलमा और जिस शख्सियत को मुझे बताना है और मुख्तसर तारुफ कराना चाहिए, इन जातों का हम तारुफ कमा नहीं करा सकते, बस आला हजरत के शेर से तारुफ में करा दूं। पीरे तरीकत रहबरे राहे शरीयत जिगर गोशे मुस्तफा औलादे रसूल हुजूर सैयद नूरानी मियां साहब क़िबला, जो पिसरे सदरुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद गुलाम मेरठी शीलानी अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की साहबजादे फरजंद हैं, वो हमारे दरमियान जलवा फरमा है। ये तो औलादे फातिमा सहरा हैं, औलादे अली हैं, इनके चेहरे देख लो हुस्ने इमाम हुसैन चेहरा देख लो, आज के चेहरे की वजाहत और चेहरे का रोब चेहरे का हुस्न आप देख लो। आला हजरत फरमाए कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बहुत आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। सही साहब क़िबला माशाल्लाह तशरीफ फरमा है, हजरत की मौजूदगी मेरे लिए पुश्त पनाही का काम करेगी और मेरा बहुत हौसला बढ़ेगा। और हजरत के साहब और इनके सदके हम सभी का बेड़ा पार फरमाए, आमीन। फरमाए अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बातें समझ में आ रही नहीं आ रही आप हजरात के? आ रहा है, बिल्कुल इत्मीनान से सुनेंगे। आवाज अगर बुलंद होगी तो मुझे रुकना पड़ेगा, आप शोर न करें, बिल्कुल भी आवाज बुलंद न करें।